वेलकम बैक एवरीवन, ये है शवल नाइट और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने हराया था लिच यार्ड में स्पेक्टर नाइन नाइट को और फिर थोड़ी यहाँ वहाँ की चीज़ें देखी थी। तो हम यहाँ से आज हम करेंगे कंटिन्यू और देखेंगे कि हम मतलब क्या कर सकते हैं, क्या क्या है इसमें देखने का और आगे। तो शायद पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम या तो जाएंगे फॉरेस्ट ऑफ फेजिंग में या फिर हम जाएंगे ट्रोपल पॉन्ड में। तो एक बार ट्रोपल पॉन्ड में जाके देखते हैं जहाँ पे हमने 40 खरीदा था और फिर ये क्या है और इसका मतलब क्या है। तो ये शायद ट्रोपल किंग है, ट्रोपल गॉड जो उसने एक्वालाइट ने बोला था, जो हमें विलेज में मिला था। तो देखते हैं, ट्रोपल किंग है ये। हु हैज अवेकन मी मॉर्टल, दोस्ट थाउ नीड एड, एड मी, मतलब ठीक है देखते हैं। आई सेंस अ ट्रोपल चालिस, कैन आई फिल इट विद मैजिकल इकोर, दैट्स प्रोनाउंस्ड आईकोर। ओ ठीक है, अपने से पहली बार में गलती होगी। चूज योर आईकोर वाइसली। आईकोर ऑफ रिन्यूअल रिफिल्स ऑल हेल्थ एंड मैजिक। आईकोर ऑफ बोल्डनेस, बिकम इनवेंसिबल फॉर 10 seconds, एब्जॉर्ब्स नियर बाय ट्रेजर फॉर 60 seconds। तो ये मुझे लगता है ये किसी टाइप के इफेक्ट है जो हमें और एक्स्ट्रा देंगे पावर्स। तो फिर मुझे तो यार हेल्थ ही सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि ट्रेजर तो कैसे मिल सकता है, इनविंसिबल 10 seconds के लिए बनने का कोई मतलब है नहीं। पर अगर एक बार पूरी अगर हेल्थ भर जाए तो फिर उसके बहुत मायने हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा काम आ सकता है। तो फिर इसको करते हैं चूज। सब्जेक्ट्स, अ न्यू इनिशिएट जॉइंस अस, द सेरेमोनियल शॉल कमेंस। तो ये क्या हो रहा है, कोई डांस है क्या, और ये पूरा देखना पड़ेगा क्या, क्या पता है क्या स्किपिंग कर सकते हैं। मैं सारी बटन दो दबा ली पर ये स्किप नहीं हो रहा है, शायद देखना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है यार, अब जाने की देर। ये पूरा देखना ही पड़ेगा। हद हो गई। और लगता है उसने थूका है अपने कुछ मुंह से और फिर हमारे कप में आगे गिरा है। फेयर दी वेल शवल नाइट, रिटर्न इफ यू दाउ हैस्ट नीड ऑफ माय एड अगेन। तो हमें बोला है कि अगर फिर से कुछ चाहिए हो तो आ जाना फिर से। तो हमने ट्रोपल पॉन्ड से कुछ ले लिया है और फिर हमारे पास हमें मतलब बता रहा है गेम कि हमारे पास एक मील टिकट है और फिर एक गाना गाने वाला जो है वो है म्यूजिकल नोट वाला। तो फिर पहले तो हम मील टिकट से जाके अगर लाइफ बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाएंगे, फिर भाई से हम उसका गाने वाला दे देंगे। ठीक है बढ़िया, ठीक है। और यहाँ ऊपर अगर ये मील टिकट से अगर जिससे अगर हेल्थ बढ़ा दें। और फिर हमारी हेल्थ एक और बढ़ गई है। ये पता नहीं क्या हुआ है, ये किसी से कुछ ऐसे कुछ खरीद लिया है। ऑफ कोर्स आई कैन इंक्रीज है मैक्सिमम गुड। ये पैसे से ही खरीद रहे हैं ना शायद। तो हमारा ये और बढ़ गया है और अगर ये एक और मील टिकट अगर बेच दें, मील टिकट 6000 का था और हम इतने पास में थे एक और हेल्थ बढ़ाने के, पर हमने मैजिक के चक्कर में वो छोड़ दिया। ठीक है, कुछ कोई वो नहीं, कोई बात नहीं। अगर हम और आगे जाएं तो ये क्या है पता नहीं। अगर ये इस तरफ किसी तरह आ जाए तो फिर ठीक है, वो उस तरफ जा रही है क्योंकि हमें उसकी मदद से ही हमें ऊपर चढ़ना है। अगर वो और उस तरफ हो बस बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ एक और था और फिर इसके अंदर बहुत सारे पैसे वगैरह थे। बढ़िया, ये पैसे मिल गए। तो क्या 1700 कॉइंस लेके जाना सही है कि नहीं। फॉरेस्ट ऑफ फेजिंग में हम नहीं गए थे और मैंने पिछले एपिसोड में बोला था हम जाएंगे यहाँ पे, तो फिर चलिए जाके देखते हैं। विलेजर्स, यिक्स स्पाइक्स, इफ ओनली आई कुड फेस एनी वे टू सेफली।
आई कुड क्रॉस एंड गेट सो मच ट्रेजर। ठीक है बढ़िया, फॉरेस्ट ऑफ फिजिंग भाई हमारे पास कैसे होगा ये? बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है ये पहले वाला तो आ जाएगा, मगर दूसरा वाला कैसे लेंगे? मुझे लगता है कि ये गया, ये नहीं मिल सकता। शायद ये सेकंड वाला किस तरह, पर ये थर्ड वाला तो नहीं मिलेगा। कैसे जाए इसके पास? ये सब कुछ काम नहीं। तो ये लगता है कि ये कोई आगे जाके कुछ अगर वो होगा। यूज योर स्पॉइल्स फ्रॉम दिस गेम। यस तो हमने 142 कॉइंस किए लूज, और शायद किए शायद नहीं किए पता नहीं। और फिर अब आगे जाने का टाइम आ चुका है। अगर हम विलेज में और अगर थोड़े से जाके अगर पैसे खाना खा कर ले, तो फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिर जाएंगे ये इसमें हमारे जो नेक्स्ट जो लेवल्स है उसमें जाएंगे। सर न्यू फेस डांसर्स एक्वालाइट विजेस गोस। किंग नाइट रेंज नो मोर हजा, नाउ आई कैन रूल फॉर द मोर फॉर आई कांट वेट टू बीट ऑल क्लून एंड बेकी दे प्रॉब्ली कांट वेट टू सी। तो फिर तो ये है डिपोज किंग, जो मतलब जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में जब हमने किंग नाइट को हराया था, तो वो उसने पीडीएम और कीप को उसने कब्जा कर लिया था, और फिर ये असल का वहाँ था किंग, और हमने फिर किंग नाइट को हराया। तो फिर अब ये वापस जा सकता है, तो ये फिर से बोल रहा है कि खुश है कि ये जो उसके जो है दोस्त लून और बीकी उनको जाके मिल सकता है। तो फिर और फिर ये है ग्रैंड मास्टर स्वैम्प, और ये हमें हमारे सारे स्टैट्स बताती है। डबल ट्रबल सोल शवल मेथड आई नो योर यूजलेस इनपुट। तो जैसे कि हमने डक फाइल 20 की है, अमाउंट ऑफ गोल्ड हमने अभी तक 16,832 कॉइंस कमाए हैं। थानेटो नंबर ऑफ टाइम्स वी फॉलन बैटल इज 6, 6 बार हम मरे हैं। टोटल टाइम स्पेंट एडवेंचर इज 1 hour 13 minutes and 12 seconds। आई मैजिकली सी ऑल ऑफ योर एक्ट्स कम अगेन फॉर मोर यूजफुल फैक्ट्स काइंडली विच। और फिर पिछले भी बार यही हुई थी दिक्कत, और फिर कि हमने उसे विच बोला था, उसने बोला था कि वो विच नहीं। तो पिछले बार हमने ये स्किप किया था, और शायद हमें ये कर लेना चाहिए कि इसने बोला था कि ये हमें एक गेम खिलाएगी, और ये गेम हमने पिछले बार खेला था नहीं। आई सपोज पीसफुल एंड सॉलिटी इज टू मच टू आस्क फॉर वेल एज लॉन्ग एज आई एम स्टैंडर्ड हियर। ठीक है भाई वो गेम खेलने का बोलती है, तो फिर चलो गेम खेलते हैं। आई कंजर्व अप सम थिंग्स एंड यू कैन हिट देम टुवर्ड्स द टारगेट फॉर पॉइंटिंग। ओके तो ये कुछ टारगेट प्रैक्टिस टाइप कुछ लग रहा है, और सब गिर रहे हैं बस। तो कूद के मारना है, और सब बस गिर रहे हैं। ठीक है इसमें भी कोई वो नहीं, अरे यार वो मतलब मेन तो ये है कि अब वो सारे गिर रहे, तो फिर मुझसे एक एक भी नहीं बन रहा। ठीक और 134 पॉइंट्स, गुड जॉब आई गेस, टेक दिस एंड कम बैक इफ यू गेट बोर्ड। बढ़िया भाई पैसे भी है, मतलब काम करो पैसे लो। और हमने इस साइड के सारे देखते थे, क्या कुछ और है यहाँ पे? यहाँ कुछ ये तो ले लिया था, क्या यहाँ है कुछ? यहाँ इन ये सब लोग कुछ बेचने वाले थे शायद, क्या? तो मुझे लगा कि वो फ्रॉग भी कुछ बेचता है, पर उसके बाद कुछ नहीं। तो ये हमें रिलैक्स बेचता है, फिर तो ये हमने फिर से ले लिया है वो डब्ल्यू पी जी कास्ट इनटू पिट एंड वेट फॉर अ बाइट की बनाया और फॉर सम स्पॉट में फिशिंग स्पॉट। तो ये फिशिंग स्पॉट तो हमें मिला नहीं, और हमने दो बार ही खरीद लिया है, इसका अभी तक कोई हमें काम मिला नहीं है, पर कम से कम हमारे कॉइन्स कम हो गए हैं, तो मैं इसलिए खुश हूँ। तुम लोग ये सोचते हो कि ये अपने कॉइन्स क्यों कम करने में पड़ा है, पर मेरा जैसे कि मैंने तुमको बताया था, मेरा ये मानना है कि मतलब जब मैं कोई बैटल में जाऊँ, तो फिर मेरे पास कम से कम कॉइन्स हो,
पर ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें आगे जाके बहुत सारे कॉइन्स भी जमा करने हैं, ताकि और भी महंगी महंगी चीज़ें लेनी है। तो फिर हम एक बार आ गए हैं ये मैप पे, और फिर हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि यहाँ ये है एक्सप्लोडेटोरियम, यानी कि एक्सप्लोड वगैरह कुछ इस टाइप का होगा, और ये है लेयर ऑफ प्लेग नाइट, तो ये एक और बॉस लेवल है, मतलब बॉस की सारी स्टेज है। आयरन वेल द लेयर ऑफ ट्रेजर नाइट, तो ये वैसी टाइप का है कुछ। और फिर ये है नकलर स्क्वारी, यहाँ पे कुछ है। लॉक्ड गेट डिफीट ट्रेजर नाइट, ट्रेजर नाइट यानी कि ये है ट्रेजर नाइट, इसको हराने के बाद ये वाला खुलेगा गेट, और फिर क्योंकि फिर जाके यहाँ पे हमें वो मिलेगा, यहाँ जाने मिलेगा। और या तो मतलब दो है कि हमें अगर यहाँ जाना है तो या तो हम एक्सप्लोरेटोरियम को कंप्लीट करें, या फिर हम ट्रेजर नाइट को हराएं। और फिर यहाँ पे है लॉस्ट सिटी लेयर ऑफ मोन नाइट, तो ये कुछ लावा टाइप दिख रहा है लेवल। और फिर ये है लॉक्ड गेट डिफीट प्लेग नाइट, यानी कि प्लेग नाइट, ठीक है। तो प्लेग नाइट को हरा के दो चीज़ें हमें मिल जाएगी, एक तो ये जो ऊपर वाला जो है सिटी, ये मिलेगी, और ये भी खुल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट लेवल में फिर हम इनमें से कोई करेंगे स्टार्ट, या तो हम प्लेग नाइट को हराएंगे या फिर हम ट्रेजर नाइट को हराएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, और फिर नेक्स्ट 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 वीडियो में हम इनमें से एक लेवल ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।